पिछले कई दिनों से प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान प्रदेशवासियों को सूबे की मनोहर सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अभी तक 70 से 80 रुपए किलो के भाव से मिलने वाले प्याज को सरकार 31 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को राशन डिपो के माध्यम से रियायती दर पर देगी। सरकार के इस फैसले का महिलाओं ने भी स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटते ही संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल के हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर बराला ने कहा कि हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन था ही नहीं। हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल के इकलौते विधायक बलकौर सिंह को बीजेपी में शामिल करवाए जाने को अकाली दल ने धोखा बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने गठबंधन की बात से ही इनकार कर दिया। अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में अकाली दल के हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष सुमित्रा चौहान पार्टी को अलविदा कह चुकी हैं और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अभी भी उनके पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। पार्टी को लगता है कि शायद वो वापस आ जाएं और पार्टी के लिए नई योजना पैदा करें। हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन हरियाणा में छुट्टी के चलते 3 दिनों तक नामांकन दाखिल नहीं होगा। बता दें 28-29 सितंबर और 2 अक्टूबर को नामांकन दाखिल नहीं होगा। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने सभी डीसी एसपी के साथ 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से पहले रिपोर्ट फिर वोट मुहिम की शुरुआत की गई है। मुहिम के तहत कांग्रेस लोगों से व्हाट्सएप और ऐप के जरिए संपर्क करेगी। गुरुग्राम के इस मुहिम की शुरुआत की गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई समेत कई नेता शामिल थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हर पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। आदमपुर विधानसभा से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का परिवार मैदान में उतर गया है और पूर्व सीएम भजनलाल परिवार की विरासत को बचाने की अपील कर रहा है। रेणुका बिश्नोई, भव्य बिश्नोई जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति में हाशिए पर खड़े पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के जुमले हरियाणा में सुनाई देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिद्धू का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। सिद्धू के अलावा कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी जनसभाएं करेंगे। जननायक जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की दूसरी सूची नवरात्र के पहले दिन जारी करेगी। 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी जेजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी हलका पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है। करीब 40 उम्मीदवारों पर पार्टी की सहमति बन चुकी है। पंचकुला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक मारुति कार से 30 लाख की नकदी पकड़ी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे, जिनके पास इन पैसों की कोई रसीद और दस्तावेज नहीं थे।